नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन के इस नए वीडियो में। आज हम और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में सर्वनाम का प्रकार बताइए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक या संबंधवाचक। इसका सही आंसर होगा निश्चयवाचक, क्योंकि जिस पुस्तक की बात की जा रही है वह कन्फर्म है, निश्चित है, इसलिए निश्चयवाचक। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन कीजिए, उज्ज्वल, उज्जज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल्व। तो इसलिए आप जानते हैं कि सही लिखने का तरीका इसमें ऑप्शन नंबर सी पे दिखाई दे रहा है। सही आंसर होगा कि उज्ज्वल का सही रूप उज्ज्वल है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है तीसरा, मनोहर शब्द में कौन सी संधि है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। मनह धन हर होता है विच्छेद, इसलिए इसका सही आंसर होगा विसर्ग संधि। मनोहर शब्द में विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारी स्क्रीन पर, चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कामायनी के रचयिता, मतलब कामायनी महाकाव्य के रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, जयशंकर प्रसाद या बालकृष्ण शर्मा नवीन। सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की कृति है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा गया, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है, अधिक अल्प, कठोर कोमल, आरंभ प्रारंभ, मुख्य गुण। आप जानते हैं कि आरंभ प्रारंभ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अतः यह युग्म सही नहीं है। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा कि यह युग्म सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है, विपरीतार्थक मतलब उल्टा, अज्ञ प्रज्ञ, ज्ञानी विज्ञ, मयंक मृगांक, पादप विटप। हमारा सही आंसर होगा अज्ञ प्रज्ञ, क्योंकि अज्ञ और प्रज्ञ एक दूसरे के उल्टे होते हैं, अज्ञ मतलब अज्ञानी, प्रज्ञ मतलब ज्ञानी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा गया है, विमुख का विलोम शब्द अमुख, उन्मुख, प्रमुख, उपयुक्त में से कोई नहीं। हम जानते हैं कि विमुख का मतलब होता है मुंह फेर लेना, इसलिए इसका सही विलोम होगा उन्मुख, मतलब सामने देखना, विमुख का उल्टा उन्मुख। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं। यह क्वेश्चन पहले भी एक वीडियो में हमने देखा था, इसलिए अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद आपको पहले से भी याद होगा कि ये हमारे पास अर्थ की दृष्टि के भेद होते हैं 8, ऑप्शन नंबर सी, जिसमें 8 प्रकार पहले भी आपने याद रखे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें लिखा गया, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह है मिश्र वाक्य, आश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य। हम जानते हैं कि केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होने पर हमें सरल वाक्य ही कहना पड़ेगा, कि इसका सही आंसर है सरल वाक्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, हमारा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है, जिसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। पहला ऑप्शन, वह आपकी श्रद्धा करता है, वह आप पर श्रद्धा रखता है, वह आपसे श्रद्धा करता है, वह आप में श्रद्धा करता है। हम जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह आप पर श्रद्धा रखता है, तो सही आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 हमारी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों का उचित प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है, ममता, रेखा, सुमन और सुषमा खेल रही है, रमेश तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हें अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए, यह गलत काम मुझसे नहीं होगा। हम जानते हैं कि हमें सही प्रयोग देखना है विराम चिन्हों का, और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कि रमेश तुम्हारे पिता का नाम क्या है, इसमें बिल्कुल सही प्रयोग किया गया है, अतः आंसर बी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 हमारी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्ह का अनुचित प्रयोग हुआ है, गलत प्रयोग ढूंढना है, प्रेम, ममता, दया आदि, जड़, चेतन, गुण, दोष, अरे तुम बच गए, तुम्हारा नाम क्या है,
हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन बी में गलत प्रयोग हुआ है। जड़ के बाद चेतन और गुण में संयोजक चिन्ह आ गया है जो कि गलत प्रयोग को दर्शाता है। हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें लिखा गया धूल फांकना मुहावरे का अर्थ है। इधर उधर टहलना, धूल भरी राह पर चलना, दर दर भटकना, धूल उड़ाते चलना। हम जानते हैं धूल फांकना का सही अर्थ होगा दर दर भटकना। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, दर दर भटकना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन सी लगाने के बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारी स्क्रीन पर है। अध जल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ है गगरी भरी न होने के कारण छलकना, अल्प ज्ञान पर इतराना, ज्ञान प्रदर्शन करना, अज्ञान प्रकट करना। हम जानते हैं अधभर या अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है अल्प ज्ञान पर इतराना, इसलिए हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अल्प ज्ञान पर इतराना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें हमें एक निर्देश के रूप में अवतरण मिला है, एक पैराग्राफ जिसमें लिखा, तुम जो अपने हाथों में विधि से ज़्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, मेड़ों को ऊंचा करते हो, मेघों का पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो। यह एक अवतरण है जिस पर क्वेश्चन मिलेंगे हमें। सबसे पहला क्वेश्चन हमें मिला है जिसमें कहा गया उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा है। पंक्तियाँ पढ़कर हमको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो संबोधन है वो किसान के लिए है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा किसान, जो कि ऑप्शन सी है, क्योंकि फसलें पैदा करना और खेती करना, मेड़ों को ऊंचा करना, ये सब किसान करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें फिर से हमें एक पैराग्राफ के रूप में कुछ पंक्तियाँ मिली है जो कि हम पढ़कर आगे बढ़ेंगे। लिखा गया है शुद्ध सोना अलग है और गिन्ने का सोना अलग। गिन्ने के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया हुआ होता है, इसलिए वह ज़्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। औरतें अक्सर इसी सोने के गहने बनवा लेती है। उक्त पंक्तियों के आधार पर बताएं कि सोने की चमक और मजबूती कब बढ़ जाती है। जैसा कि हमने पैराग्राफ पढ़ा है तो सोने की चमक और मजबूती बढ़ती कब है, आंसर होगा थोड़ा तांबा मिलाने पर, क्योंकि जैसी पंक्तियाँ वैसा हमारा आंसर होगा, इसलिए हमें इसमें आंसर लगाना पड़ेगा ऑप्शन सी, थोड़ा तांबा मिलाने पर इसकी मजबूती बढ़ जाएगी और चमक भी बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें कहा गया विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है। हम जानते हैं कि जब छुट्टी मांगनी हो तो हमारे अटेंडेंस लेते हैं क्लास टीचर, तो कक्षा अध्यापक को हम अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा गया विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा। प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, शिकायती पत्र या व्यावसायिक पत्र। हम जानते हैं कि विद्युत आपूर्ति में बार बार अगर बाधा आती तो वह एक प्रकार की शिकायत होगी, इसलिए शिकायती पत्र लिखा जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहे। विद्यानिवास मिश्र, मोहन राकेश, शंकर शेष या कमलेश्वर। निबंधकार के रूप में जो चर्चित रहे हैं उनका नाम हम सभी जानते हैं कि उनका नाम होगा उनका सही नाम होगा विद्यानिवास मिश्र। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा, विद्यानिवास मिश्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन है कल्पलता निबंधों का संग्रह है कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर के या हजारी प्रसाद द्विवेदी के, कुबेरनाथ राय के या सरदार पूर्ण सिंह के। तो कल्पलता निबंधों का जो संग्रह है आखिर वो किन के निबंधों का है, इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी के, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, हमारी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन शो होगा क्वेश्चन नंबर 21। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं नागार्जुन, त्रिलोचन, रघुवीर साय, केदारनाथ सिंह। इन पंक्तियों के रचयिता या इन पंक्तियों के रचनाकार नागार्जुन है, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हमारे स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है 22, कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है। कैदी और कोकिला लिखने वाले कवि का नाम होगा सोहनलाल द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी, माखन चतुर्वेदी या श्याम नारायण पांडे। इसका सही आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 23 है हमारी स्क्रीन पर। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? सौंदर्य, प्रेम, वैराग्य, रति। हम बचपन से जानते हैं श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। क्वेश्चन नंबर 24 हमारी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा गया है, सोहत ओढ़े पित पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल आतपु परिय प्रभात। उक्त दोहे में किस अलंकार का प्रयोग हुआ? आप जानते हैं कि जैसे पंक्तियों में मनो, जनो, जानू, मानू, यदि ये शब्द आते हैं तो हमारा आंसर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। अतः हमारा सही आंसर होगा ए, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 25 हमारी स्क्रीन पर है, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13-13, 11-11, 11-13 या 13-11। हम सोरठा छंद को याद रखने के लिए कहते हैं कि सोरठा का मतलब होता है तेगा तेगा। अब तेगा तेगा हमको याद रखने के लिए आसानी रहती है, तेगा तेगा जब लिखते हैं तो हम जानते हैं कि तेगा तेगा का मतलब होता है 13-11, 13-11। अब पहले और तीसरे चरण में कितनी होगी? तो पहला चरण 13, तीसरा चरण भी 13, ये होता है तेगा तेगा। लेकिन ये हम सोरठा के लिए नहीं, मैं गलत बता दिया आपको, ये दोहे के लिए हम याद रखते हैं, और सोरठा इसका ठीक उल्टा होता है। यदि सोरठा याद रखना है तो हमको सिंपल याद रखना पड़ता है, सोरठा का मतलब होता है गाते गाते, तो हमको ये याद रह जाता है, ट्रिक है ये हमारी गाते गाते। तो हम कह सकते हैं कि 11-13, 11-13। अब पहला 11 तो तीसरा भी 11, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी कि पहला और तीसरा दोनों में 11-11 मात्राएं हमको प्राप्त होती है, क्योंकि सोरठा की ट्रिक है गाते गाते और दोहा की ट्रिक होती है तेगा तेगा। अभी सोरठा पूछा था इसलिए ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। उक्त पंक्तियों में कवि ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया? प्रकृति, प्रेयसी, देश या देव। हमारा यह जो वर्णन आपने पढ़ा है यह वर्णन प्रकृति का है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा कि प्रकृति का वर्णन किया गया, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जिसको आप पढ़ें तो लिखा गया, तू सहज शांति का दूत, मनुज के सहज प्रेम का अधिकारी, दृग में उढ़ेल कर सहज शील, देखती तुझे दुनिया सारी। रामधारी सिंह की उक्त पंक्तियों में किसका गौरवगान किया गया? भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या महात्मा गांधी। यह जो पंक्तियां हैं यह महात्मा गांधी के लिए उपयोग की गई हैं, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे स्क्रीन पर है, मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम है? चतुरसेन शास्त्री, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या अमृतलाल नागर। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। मंत्र शीर्षक कहानी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हमारे स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? चित्राधार, कानन कुसुम, गीतिका या इरावती। हम जानते हैं कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गीतिका जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे स्क्रीन पर है, साये में धूप गज़ल संग्रह है मोहन राकेश का, दुष्यंत कुमार का, बशीर बद्र का या रघुवीर सहाय का। हमारा सही आंसर होगा साये में धूप दुष्यंत कुमार का, दुष्यंत कुमार का गज़ल संग्रह है। हमारा ऑप्शन बी सही है, दुष्यंत कुमार, साये में धूप। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 हमारे स्क्रीन पर है, विज्ञापन की दुनिया खर्च और बिक्री की दुनिया है, हम सपनों के सौदागर हैं, जिसे चाहिए बाजार जाए, सपनों और उम्मीदों से भरी ट्यूब खरीद ले। यह विज्ञापन का ही कमाल है कि हमारे 3 सदस्यों वाले परिवार में 3 तरह के टूथपेस्ट आते हैं। उक्त पंक्तियों में किस विषय पर चर्चा हुई है? पढ़ने से ये स्पष्ट हो गया होगा कि हमारा ऑप्शन है अर्थव्यवस्था पर, उपभोक्तावाद पर, सपनों और उम्मीदों पर या नैतिकता पर। तो हमारी ये जो चर्चा पूरी हुई है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उपभोक्तावाद पर, क्योंकि हम सब उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं और एडवर्टाइजमेंट देखकर कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जिसमें लिखा गया है, कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? उसने कहा था, पंच परमेश्वर, एक टोकरी भर मिट्टी या इंदुमती। हमारा सही आंसर होगा कि प्रथम विश्व युद्ध पर लिखी गई कहानी का शीर्षक था उसने कहा था, जिसमें लहना सिंह
और अन्य पात्र थे, यह हमने पहले पढ़ी थी इसलिए कहानी होगी उसने कहा था। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, जिसमें लिखा गया अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद्य रचना है। राम कुमार वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, महादेव वर्मा या सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारा सही आंसर होगा महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की गद्य रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारी स्क्रीन पर, हिंदी की बहुचर्चित आत्मकथा झूठन का लेखक कौन है। मोहनदास नेमिश राय, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश कर्दम या धर्मवीर। हमारा सही आंसर होगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने झूठन नामक आत्मकथा लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 35, जिसमें लिखा गया कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण है। कविंद्र, वनौषधि, देवेंद्र इत्यादि। हम जानते हैं कि एक मात्रा वाले गुण संधि होती है और वो भी ए मात्रा जो होती है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी देवेंद्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे स्क्रीन पर है, मनोयोग शब्द किस संधि से बना है। हम जानते हैं कि मनः धन योग इसका संधि विच्छेद होता है, मनोहर का भी वही होता है, मनोयोग का भी वही होता है, इसलिए 36 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर होगा विसर्ग संधि। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास है, चंद्रमौली शब्द किस समास से बना है। आप जानते हैं चंद्रमौली का मतलब होता है चंद्रमा जिनके मस्तक पर है, और यह भगवान शंकर के लिए उपयोग किया जाता है, और भगवान के सारे नाम हमारी जानकारी में है कि बहुब्रीही समास के लिए उपयोग होते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए बहुब्रीही समास। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, द्वंद्व समास होता है जिसका पूर्व पद प्रधान हो, जिसके सभी पद प्रधान हो, जिसका दूसरा पद प्रधान हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। हम जानते हैं द्वंद्व समास के लिए डैश लगाया जाता है, बीच में से माता पिता, रात दिन इत्यादि, इसलिए जिसके सभी पद समान होते हैं उसमें द्वंद्व समास होता है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 हमारी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा गया कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। गगनचुंबी, पद दलित, बलहीन, खान पान। उपरोक्त तीनों ऑप्शन में गगनचुंबी, पद दलित, बलहीन तत्पुरुष समास के उदाहरण है, क्योंकि इन सब में कारक विभक्ति का लोप है, लेकिन ऑप्शन डी जो है खान पान, इसमें किसी प्रकार की कारक विभक्ति का लोप नहीं होने के कारण हम ये कहेंगे कि खान पान तत्पुरुष समास नहीं बल्कि द्वंद्व समास का उदाहरण होता है। तो हमारा जो उदाहरण नहीं था वो था ऑप्शन डी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, तद्भव शब्द कौन सा है। अमरूद, आमदनी, ऑफिस, अनमोल। हम जानते हैं कि तद्भव शब्द का मतलब होता है उससे उद्भव, यानी संस्कृत से बने हुए शब्द। अब अमरूद, आमदनी, ऑफिस ये विदेशी शब्द और मूल शब्द हैं, लेकिन अनमोल शब्द अमूल्य से बनाया गया शब्द है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा अनमोल शब्द तद्भव शब्द की श्रेणी में आता है, क्योंकि तत्सम का मतलब संस्कृत शब्द और तद्भव मतलब हिंदी के शब्द जो संस्कृत से बन गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास है, आगत शब्द नहीं है। अदालत, आदमी, औरत, बहन। आगत शब्द का मतलब होता है जो दूसरी भाषाओं से आए हुए शब्द हैं, और इनमें हम जानकारी रखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन डी है बहन, जो कि आगत शब्द नहीं है, बाकी सब शब्द आगत शब्दों की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 हमारे पास है, जिसमें लिखा हुआ है पर्यायवाची शब्दों का कौन सा युग्म सही नहीं है। अनिल, समीर, खग, विहग, अनाथ, सनाथ, तन, काया। हमें पर्यायवाची शब्दों का युग्म जो सही नहीं है वह निकालना था, वह ढूंढना था, इसलिए अनिल और समीर तो दोनों पर्यायवाची शब्द हैं, खग विहग भी पर्यायवाची है, लेकिन अनाथ सनाथ पर्यायवाची नहीं है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। अनाथ जिसका कोई जवाबदेह नहीं हो और सनाथ जिसका जवाबदेह कोई हो। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हय, अक्षी, वाजी, तुरंग। हम जानते हैं कि हय, वाजी, तुरंग ये सब तो घोड़े के पर्यायवाची होते हैं, अश्व के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन अक्षी आँख का पर्यायवाची है, इसलिए सही आंसर हमारा हो जाएगा बी कि अक्षी अश्व का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 हमारे स्क्रीन पर है, अत्यधिक क्रोध करना किस मुहावरे के द्वारा अभिव्यक्त होता है। आँखों में गड़ना, आँखों में कांटा होना, आँखों में खून उतरना या आँखें चार होना। हम जानते हैं जिसको बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है, उसे कहा जाता है आँखों में खून उतरना।
तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, जिसमें लिखा हुआ है कि बिजली चमकती है कैसा वाक्य है, सरल, मिश्र, संयुक्त, संयोजक। बिजली चमकती, इसमें हमको एक उद्देश्य और एक विधेय प्राप्त हुआ है, इसलिए हम आसानी से कह सकते हैं कि जो इन्होंने पूछा है कि किस प्रकार का वाक्य है, तो यह केवल एक विधेय उद्देश्य की वजह से सरल वाक्य है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द युग्म गलत है, चिड़िया, चिड़ियाँ, तिथि, तिथियाँ, नदी, नदियाँ, जनता, जनताएँ। आप जानते हैं कि जनता अपने आप में बहुवचन को ही प्रदर्शित करता है, शब्द जनताएं नहीं होता है, इसलिए शब्द युग्म गलत होगा, जनता, जनताएं। चिड़िया, चिड़ियां इसलिए सही हो सकता है क्योंकि चिड़िया एक चिड़िया और चिड़ियां बहुत सारी चिड़ियाओं के लिए उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में लिखा गया है वाक प्लस दान, शब्दों की संधि से बनने वाले उपयुक्त शब्द के लिए सही विकल्प चुनिए। वाकदान, वाकदान, वागदान या वागदान। हम जानते हैं कि क का गमला मतलब ग गणेश हो जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, वाकधन दान बराबर वागदान, क्योंकि क ग बन गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 हमारी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा गया नीचे दिए गए विकल्पों में से पीयूष शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द चुनिए। अनल, वायु, औषध, सुधा। हम जानते हैं पीयूष का मतलब अमृत होता है, और अमृत के लिए पर्यायवाची सुधा भी उपयुक्त किया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित विकल्पों में से साकार शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द छाटिए। साकार का मतलब आकार सहित, और इसका विलोम होगा निराकार, अतः हम लगाएंगे ऑप्शन बी, निराकार सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास है, जिसमें लिखा गया है जानबूझकर विपत्ति में पड़ना अर्थ किस मुहावरे का है, ओखली में सिर देना, आसमान से गिरकर खजूर में अटकना, आस्तीन का सांप पालना, आसमान टूट पड़ना। जानबूझकर विपत्ति में पड़ने का एक तो होता है आबेल मुझे मार, लेकिन इन ऑप्शनों में देखा जाए तो इसका सही आंसर मिलेगा हमें ओखली में सिर देना, मतलब जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित विकल्पों में से एक आंख से देखना मुहावरे के अर्थ वाला उपयुक्त विकल्प छाटिए। घूर कर देखना, कम दिखाई देना, समान समझना, काना होना। एक आंख से देखने का सही अर्थ होता है समान समझना, एक जैसा समझना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। समान स्वरों के योग से संधि होती है, गुण, यण, दीर्घ, आयाधि। सही आंसर होगा दीर्घ, क्योंकि दीर्घ का मतलब ही होता है कि सेम टू सेम मिल जाए और बड़ा बन जाए, मतलब हम कहते हैं कि दीर्घ संधि में अ से अ मिलकर आ बनता है, ई से ई मिलकर बड़ी ई बनती है, तो समान स्वरों के योग से हमेशा दीर्घ संधि ही होती है। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास। दोपहर में समास है द्वंद्व, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। हम जानते हैं कि दोपहर मतलब दो प्रहरों का एक समूह, और गिनती उपयोग हो जाने से हमारे पास जो समास मिलता है वो होता है द्विगु समास। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 54 है, जिसमें लिखा गया किसी समस्त पद में विशेष विशेषण भाव हो तो समास होता है, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्विगु, बहुव्रीहि। विशेष विशेषण का मतलब आप समझिए, जैसे हम बोलते हैं नील कमल, तो नीला है जो कमल, उसमें एक विशेष है, एक विशेषण है, और इनमें हमेशा कौन से समास होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए होगा कर्मधारय समास, जिसमें विशेष विशेषण हो। क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास है, किस पारिभाषिक शब्द का अंग्रेजी युग्म सही नहीं है, ट्रस्टी, न्यासी, डायरी, दैनंदिनी, सुपरवाइजर, पर्यवेक्षक, इंस्ट्रक्टर और निरीक्षक लिखा है। इसको ध्यान से पढ़िए, यह इंस्ट्रक्टर गलत है, निरीक्षक के लिए तो इंस्पेक्टर होता है, तो हमें गलत युग्म ढूंढना था, जो सही नहीं था वो ऑप्शन डी है, बाकी सभी सही हैं। ट्रस्टी को न्यासी कहते हैं क्योंकि ट्रस्ट का मतलब न्यास होता है, डायरी को दैनंदिनी कहते हैं जिसमें रोज़मर्रा की चीज़ें लिखी जाती है, सुपरवाइज़र जो हम परीक्षा देते हैं, और पर्यवेक्षक होते हैं जो सुपरविजन का काम करते हैं कि कोई टीप तो नहीं रहा, ऐसा करके सुपरवाइज़र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56, जिसमें लिखा है किस वाक्यांश के लिए दिया हुआ एक शब्द सही नहीं है, हमें सही नहीं ढूंढना है। तो पहला ऑप्शन है जिस स्त्री का कोई संतान न हो बांझ, ये तो सही है, जो बहुत बोलता हो मितभाषी, ये गलत है,
जो बहुत बोलता है वो मितभाषी कभी नहीं होता, वो तो वाचाल होता है। तो ये गलत शब्द ढूंढ लिया हमने, ऑप्शन बी। बाकी सही है, क्रम के अनुसार यथाक्रम और जो स्मरण रखने योग्य स्मरणीय। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास है, जिसमें लिखा गया घोड़े बेचकर सोना का सही अर्थ है। घोड़े बेचकर सोना खरीदना नहीं, बेफिक्र होना या दरिद्र होना या लाभ खो देना, मतलब है बेफिक्र होना। क्योंकि जो घोड़े बेचकर सोता है वो बिल्कुल बेफिक्र होकर के सोता है, बिल्कुल निश्चिंत होकर, बिना फिक्री के, लापरवाही से। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है, स्वारत सुकृत न श्रमो व्रथा, देखो बेहंग विचारी, बाज पराय पानी पर तो पंछीनू न मारी। मैं कौन सा अलंकार है? हम जानते हैं कि यह पंक्तियाँ राजा जयसिंह के लिए कही गई थी कि वे पराय पानी पर बाज पराय पानी मारना, मतलब हिंदू राजाओं के बारे में गुप्त सूचनाएं मुगल शासकों को देने के लिए सीधे सीधे बात न करके उन्हें सुनाई गई बात थी, इसलिए इसमें सही अलंकार होगा अन्योक्ति अलंकार। स्वार्थ सुकृत न श्रम व्रता देहु को विहंग विचारी, विहंग विचारी यहाँ राजा जयसिंह को कहा गया, बाज पराय पानी पर तू पंचनू न मारी, तो बाज पराय पानी का मतलब होता था औरंगजेब, और औरंगजेब को पराय पानी की संज्ञा दी गई, और पंचीनों का मतलब हिंदू राजा था, इसलिए सही आंसर होगा अन्योक्ति अलंकार। बढ़ते हैं आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कौन सा छंद अर्धसममात्रिक नहीं है, दोहा सोरठा चौपाई बर्वे। हम जानते हैं कि अर्धसममात्रिक छंदों की एक ट्रिक हम लोग याद रखते हैं, 200 बौ अर्धसममात्रिक में होते हैं, दो मतलब दोहा, सो मतलब सोरठा, ब मतलब बर्वे, और उ मतलब उल्लाला। ये सब तो अर्धसममात्रिक होते हैं, पर अर्धसममात्रिक नहीं कौन सा, तो हमारा आंसर होगा सी कि चौपाई इसमें नहीं आता। चौपाई आता किस में है? तो चौपाई तो सममात्रिक छंद में आता है, क्योंकि सममात्रिक की ट्रिक हम याद रखते हैं, चो गी रो हरी, चोगी रो हरी, यह सममात्रिक होते हैं, जिसमें होता है चौपाई गीतिका रोला हरी गीतिका। तो अभी हमारा आंसर होगा सी कि भाई ये अर्धसममात्रिक छंद नहीं है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी उपयोगी लगने पर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी कि यदि आपको ग्रुप 4 के लिए नोट्स की आवश्यकता हो और टेस्ट पेपर चाहिए हो, तो मैं आपके लिए एक नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ, और उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने नोट्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर है 9977651282। दिए गए मोबाइल नंबर पे आप संपर्क करके अपने नोट्स और अपने प्रैक्टिस सेट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।